नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई, आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट कैनरा। सो बिलीफ इज वेरी वेरी पावरफुल। इफ यू आर थॉट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, इट विल ग्रैब यू एंड यू विल डू द वर्क जस्ट लाइक यू आर वर्किंग इन स्लीप। सो हमने ये सब देखा है कि जब हाथी के बच्चे को ट्रेंड किया जाता है तो उसे बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है और उसको एक रस्सी से, जंजीरों से बांध कर इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि बड़ा होने पर वो एक छोटी सी रस्सी को भी तोड़ नहीं पाता। उसके दिमाग में घुस जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि वह रस्सी उस हाथी के पांव से मजबूत है। सो बिलीव स्ट्रॉन्ग योर बिलीव। Believe that you can create your own destiny. No one can decide or create your future except you. कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा जीवन इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, हम ये नहीं पढ़ पाए, हम वो नहीं पढ़ पाए, हम लेट एज में पढ़ने की से अवॉइड करते हैं। बट एवरीबडी इफ ही हैज डिसाइडेड कैन क्रिएट हिज फ्यूचर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। यदि मैंने कोई गलती है तो उसकी सजा मुझे मिलेगी, यदि कोई मैंने मेहनत की है तो उसका रिवार्ड मुझे मिलेगा। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ के। देर इज नो एंड हाउ मच यू कैन अकम्प्लिश इन योर लाइफ टाइम। आपके प्राप्त करने की कोई सीमा ही नहीं है कि आप लाइफ टाइम में कितना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव से आकर के हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने कभी सोचा था क्या राष्ट्रपति बन जाए। सो देयर इज नो एंड। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम करते हुए आज इंडस्ट्री किंग, उनके बेटे मुकेश अंबानी इंडस्ट्री किंग। सो आपकी मेहनत और आपका रिवार्ड। बी ग्रेटफुल और हैव ग्रेटिट्यूड इन व्हाट यू हैव टुडे। सबसे पहले तो भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हो उसके प्रति नतमस्तक हो, सृष्टि के प्रति नतमस्तक हुई, प्रकृति के प्रति नतमस्तक हुई और ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड रहिए कि जो मिला आज, जो आपके पास है उसमें खुश रहें। लर्न टू यूटिलाइज व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स। जो आपके हाथ में है उसको यूटिलाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। मेक यूज इट इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव। उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए ये आपको सीखने की जरूरत है। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर। हमेशा मस्ती में रहिए, हंसिए अपने ऊपर जितना भी हो सके। इट विल एंटरटेन यू एंड योर माइंड विल बी क्लियरर एंड कैन फाइनली मेक योर थॉट्स मोर पॉसिबल। हंसना स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवाई है और ये मुफ्त है। मेक ए कमिटमेंट टू योर सेल्फ टू थिंक इन ए पॉजिटिव वे एंड मेक ए कमिटमेंट नॉट टू थिंक इन ए नेगेटिव वे। आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है ये आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। आधा गिलास भरा है पॉजिटिव, आधा गिलास खाली है नेगेटिव। सो अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। ऑलवेज फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थिंग्स। डोंट पोल्यूट योर प्रीशियस माइंड विद समथिंग एल्स। बेकार के कचरे को दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छी बातें सोचिए, यूजफुल बातें सोचिए, समाज के हित में सोचिए, अपने हित में सोचिए, परिवार के हित में सोचिए, वही आपको शक्ति प्रदान करेगा। अवॉइड एवरीथिंग दैट कैन अफेक्ट यू बैडली, जो आपको दुख देती हो, आपको बैडली अफेक्ट करती हो, उनसे दूर रहिए। आपका एनवायरनमेंट बिगेस्ट फैक्टर्स है, सराउंडिंग मैटर्स। यदि आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हैं नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिव लोग हैं तो पॉजिटिविटी आएगी। ट्राइड नॉट टू वरी। अरे चिंता मत करें, हर फिक्र को धुएं में उड़ाकर चलें। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी चिंता ना करें। एवरी थिंग डजंट गो वेल, डोंट वरी। बाय अडॉप्टिंग दिस एटीट्यूड यू आर गोइंग टू बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन। कई बार हमारे साथ बुरा होता है परंतु डेस्टिनी हमारी मदद कर रही है। अभी कल की ही बात है, मैं एक इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा था। वो रिटर्न
कई बार गलत हुई, कई बार उसको मैसेज भेजा, वो ओटीपी ठीक नहीं लगा। अल्टीमेट 5-6 बार मरने के बाद, 5-6 के बार अटेम्प्ट करने के बाद, जब उस क्लाइंट को बुलाया, शाम को उसके साथ बैठे, तो पता चला उसमें से बहुत सारी चीजें छूट रही। तो डेस्टिनी ने मदद किया, प्रकृति ने मदद किया। हर बार हम सुबह से शाम तक परेशान हो रहे थे भी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है और छूट जा रहा है, बट अल्टीमेट डेस्टिनी को आपको इज्जत दिलवानी थी, मान दिलवाना था, आपके हाथ से सही काम कराना था, इसलिए वो चीजें गलत हो। डोंट एक्सपेक्ट टुमारो टू बी परफेक्ट, कल कभी परफेक्ट नहीं होता, आज है, अभी है, इसी वक्त है। इसलिए एक कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जाने फिर कब आएगा, कब होगी परले। इसलिए ये सेकंड लाइन मुझे पूरी याद नहीं है, आई एम सॉरी। डोंट ट्रीट योर लव्ड वंस एज योर स्लेव, आप अपने लव्ड वंस पर धौंस न जमाए, दे आर ऑल्सो ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स एंड हैव ऑल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दे कैन नॉट प्लीज यू 24 आवर्स ए डे, यू हैव टू लर्न टू बी अफेक्शनेट टू, आपको भी उतना ही अफेक्शनेट होना पड़ेगा, उतना ही उनके प्रति मान सम्मान से भरा होना पड़ेगा, उतना ही उनके प्रति केयरिंग होना पड़ेगा। वेन यू फॉल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीवन फॉल्स, नो मैटर हाउ ग्रेट और हाउ स्टेबल दे मे लुक, यदि आप गिरते हैं तो दुनिया के तकरीबन सारे ही लोग गिरते हैं, आप ये मत देखें कि वो बहुत ग्रेट है या बहुत स्टेबल है। आपने पिछली बार देखा होगा कई बार तो बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और लेकिन समय है, उनका शरीर कितना साथ दे रहा है, उस समय क्या हालात हैं, कहीं से धक्का लगा क्या, कहीं से कुछ हुआ क्या, तो आप चिंता मत करें, अगर आप थोड़ा गिरे हैं तो संभलने का मौका हर आदमी के पास होता है। पॉजिटिव माइंड बिगिंस विद यू, पॉजिटिव माइंड आपसे शुरू होता है, यदि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप चिंता ना करें, डिसअपॉइंट ना हो, और उन्हें पॉजिटिव होने के लिए फोर्स भी मत करें, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए वो खुद होने की कोशिश करें। सो अवॉइड थिंग्स पर्सनली, सबसे बड़ी बात, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने बात करी तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो पीपल हु स्पीक नेगेटिवली ऑफन हैव ए बैड हैबिट ऑफ डूइंग, जो आदमी नेगेटिव बोल रहा है उसकी एक हैबिट होती है, और वो आपको एम नहीं कर रहा होता है बल्कि उन सर्कमस्टांसेस को एम कर रहा होता है जिससे वे गुजरा है। बी दी बिगर पर्सन, बड़ा आदमी बनने की कोशिश करें, बड़ा आदमी बनने की कोशिश करें। इट्स नेवर फन बीइंग सब्जेक्ट ऑफ अनदर पर्सन नेगेटिविटी, बट कंसिडर हाउ मिजरेबल दैट पर्सन मस्ट बी इंटेंसली ट्रीटिंग यू दिस वे। अगर कोई आदमी नेगेटिवली आपके साथ ट्रीट कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ और बात कर रहा है, तो आप ये समझें कि वह उस सर्कमस्टेंसेस में होगा, वह विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा होगा या किसी चीज से डरा होगा। एंगर इज वन वे दैट पीपल यूज टू हाइड दियर ट्रू फीलिंग्स, क्रोध एक ऐसी भावना है जिससे आदमी अपनी सही भावनाओं को छिपाता है, फ्रॉम अदर्स एज वेल एज फ्रॉम हिमसेल्फ, अटेम्प्ट टू बी कंपनसेट एंड गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। इसलिए आप चिंता ना करें और उसको सहानुभूति दें और बेनिफिट ऑफ डाउट। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, थैंकिंग यू, थैंक यू वेरी मच।